युवाओं और आप लोगों के वोट की वजह से मैं आज लोकसभा के अंदर जाकर आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि समाज के अलग अलग लोगों ने इस बार जो ताकत मुझे दी है कि कई सालों के बाद आज औरंगाबाद का नाम जब लोकसभा के अंदर लिया जाता है तो मुझे जितनी खुशी होती है, मुझे मालूम है कि औरंगाबाद में रहने वाले हर इंसान को उतनी ही खुशी रहती है कि हमारी आवाज अब पार्लियामेंट के अंदर भी गूंजती है। मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिशें हो रही है इस शहर के अंदर जो भी हम बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे। एक उदाहरण के तौर पे मैं जब नया नया एमपी बना, खासदार बना, तो पहली ही पत्रकार परिषद में लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आपके लिए सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी, आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि औरंगाबाद बहुत पीछे रह गया है पिछले कुछ सालों से, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे हवाई जहाज औरंगाबाद में लाना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 4 महीनों के अंदर औरंगाबाद शहर में जब से हवाई अड्डा बना है औरंगाबाद का, वहां पे महज 3 फ्लाइट हुआ करती थी जो औरंगाबाद मुंबई, औरंगाबाद दिल्ली और औरंगाबाद हैदराबाद को जोड़ती थी। पिछले 4 महीनों के अंदर अब औरंगाबाद के इसी हवाई अड्डे से 15 फ्लाइट शुरू किए जा चुके हैं। लोग कहेंगे कि हवाई जहाज में कितने लोग चलते हैं, हवाई जहाज का फायदा गरीबों को कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक हवाई जहाज आता है तो उसके साथ जितने भी लोग आते हैं या टूरिस्ट आते हैं वो होटलों में रुकते हैं तो होटल ग्रो करता है, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो रिक्शे में बैठते हैं, रिक्शे वाले का धंधा होता है, टैक्सी का धंधा होता है, जब वो दौलताबाद, अजंता, एलोरा देखने के लिए जाते हैं तो वहां के छोटे छोटे दुकानदारों का फायदा होता है। तो विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर शुरू हुआ है। अब हमने हवाई जहाज खत्म कर दिए हैं, अब सड़क बनाने का हम काम करना चाहते हैं। काम बहुत है करने के लिए और वक्त बहुत कम है। मैं जिस किसी इलाके के अंदर जाता हूं तो लोग मुझे बुलाते हैं और धीरे से एक मांगनी कर देते हैं कि हमारे लिए ये भी कर दो। जैसा अभी अभी भाई साहब ने बताया कि आपके इस चर्च के लिए आपको पेवर ब्लॉक्स की जरूरत है, मैं अभी मेरे साथ आए हुए बाबा बिल्डर को उन्होंने जैसे ही कहा मैंने उनको फौरन ये कहा कि जल्द से जल्द इस चर्च के अंदर पेवर ब्लॉक्स कर जाए। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस चर्च के अंदर जब आप आते हैं तो बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट से आप दुआएं मांगने के लिए आते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो शायद यहाँ पर मेरी माएं और बहनें जितनी बैठी है उनकी दुआओं में आप मुझे भी शामिल करेंगे। और मैं जो भी काम करता हूं सिर्फ दुआओं के लिए करता हूं। लोग इलेक्शन में लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, मैं इलेक्शन अगर जीता हूं तो सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से जीता हूं। मैं औरंगाबाद शहर के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन लोगों के लिए हम अच्छे स्कूल्स की, हम नए नए स्कूल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से सस्ता हो या मुफ्त एजुकेशन हो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं अपने दिल से लगाकर रखा हुआ हूं और मुझे औरंगाबाद की मेरी माएं और बहनें जितनी भी हैं उनकी पूरा साथ मुझे जिस मुद्दे के ऊपर मिला है, मैं औरंगाबाद शहर से पूरे शराब की दुकानें बंद करना चाहता हूं। और जब ये बात मैं कहता हूं तो बहुत सारी महिलाएं मेरा साथ देती है लेकिन पुरुष लोग कुछ सोचने लगते हैं इसको बुलाया क्यों है। तो मुझे उन पुरुषों की फिक्र नहीं है,
जिस दिन इलाके की नशे की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो शराब की दुकानें हो या दूसरे किस्म का नशा हो, जिस दिन आप लोगों ने तय कर लिए कि हमको ये बंद करवाना है, आप मेरे पास आ जाना, मेरी ताकत और आपकी ताकत दोनों की ताकत मिला के आपको बंद करेंगे। बहुत सारे पुरुष लोगों ने यह तय किया है कि हम अगले बार इसे चुनकर नहीं देंगे करके, लेकिन मुझे मालूम है अगर वो नहीं दिए तो क्या हुआ है, बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ में खड़े रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत इस क्रिसमस के मौके के ऊपर मुबारकबाद देता हूं, और चूंकि मैं आप लोगों की वजह से चुनकर आया, मैं हमेशा हर रोज मेरे दफ्तर के अंदर बैठता हूँ, मुझे बहुत छोटा, मैं आपके खासदार की हैसियत से आपको ये कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी सिर्फ आवाज दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।